सेक्सोफोन में इस गाने को सी शार्प माइनर में करेंगे। सी शार्प माइनर स्केल में एक बार प्ले करके दिखा दो, उसके बाद गाने का नोट पार्ट टू पार्ट प्ले करके नोटेशन स्कीम में दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का गाना बाजीगर ओ बाजीगर। सी शार्प माइनर स्केल, सी शार्प ओपन बिना ऑक्टेव के साथ, सी शार्प, उसके बाद डी शार्प ऊपर तीन नीचे तीन, साथ में लिटिल वाला जो ऊपर की है फिंगर दबाना है ऊपर वाला की को डी शार्प, उसके बाद ई ऊपर तीन नीचे दो ई, उसके बाद एफ शार्प जो बीच वाला बटन है एफ शार्प, उसके बाद जी ऊपर तीन और ए लिटिल वाला फिंगर दबाने से जी शार्प, जी शार्प के बाद ए ऊपर वाला दो की, उसके बाद बी ऊपर वाला सिंगल की एंड सी शार्प ओपन। मैं एक बार स्लो बजा के दिखाता हूँ। सेम वापस आना है, सी शार्प बी ए जी शार्प एफ शार्प ई एंड डी शार्प सी शार्प। इसके बाद दोस्तों गाना आता है, फर्स्ट शुरू होता है ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला तेरी यादों में जाऊँ रात भर, इस टाइप का है। ओ शुरू होगा जी शार्प नोट से, जो मैंने स्केल में बताया था जी शार्प ऊपर तीन और लिटिल वाला फिंगर दबाने से जी शार्प होता है, ऑक्टेव के साथ बजाना है जी शार्प जी शार्प जी शार्प एफ शार्प ए जी शार्प एफ शार्प ई जी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प सी शार्प ई डी शार्प सी शार्प बी डी शार्प सी शार्प बी ए बी ए एंड जी शार्प, ये कंप्लीट होता है। वो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला तेरी यादों में जागो रात भर, ये कंप्लीट नोट है। एक बार मैं स्लो प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ
कैसे है इसको पार्ट पार्ट बजाना है। सबसे पहले जी शार्प तीन बार, एक बार फर्स्ट जी शार्प को खींचना है, लॉन्ग नोट बजाना है, उसके बाद जी शार्प एफ शार्प ए जी शार्प एफ शार्प, उसके बाद ई जी शार्प एफ शार्प ई, कैसे हैं ये दोनों लाइन। ठीक है, और थर्ड वाला है डी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प सी शार्प ई, उसके बाद डी शार्प सी शार्प बी डी शार्प सी शार्प बी ए ए ए बी ए डी शार्प। जी शार्प में रुकना है और एक बार फिर बता रहा हूँ, जी शार्प ऑक्टेव के साथ तीन बार, एफ शार्प ए जी शार्प एफ शार्प ई जी शार्प एफ शार्प ई, ये सारे ऑक्टेव के साथ। उसके बाद डी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प, यहाँ तक ऑक्टेव के साथ, उसके बाद ओपन सी शार्प बिना ऑक्टेव, फिर ऑक्टेव के साथ ई, उसके बाद डी शार्प ओपन सी शार्प, फिर बी बिना ऑक्टेव के साथ, फिर डी शार्प ऑक्टेव के साथ, सी शार्प बिना ऑक्टेव के साथ, बी बिना ऑक्टेव के साथ, ए ए ए बिना ऑक्टेव के साथ, बी ए जी शार्प ये बिना ऑक्टेव के साथ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। एक बार मैं बजा देता हूँ। जी शार्प तीन बार, ए तीन बार, बी तीन बार, सी तीन बार और लास्ट में सी शार्प। फिर शुरू होगा बाजीगरो बाजीगर, कैसे होगा जी शार्प बिना ऑक्टेव, सी बिना ऑक्टेव, उसके बाद डी शार्प ऑक्टेव के साथ, एफ शार्प ऑक्टेव के साथ, ई ऑक्टेव के साथ, डी शार्प ऑक्टेव के साथ, ई ऑक्टेव के साथ, डी शार्प ऑक्टेव के साथ एंड सी शार्प बिना ऑक्टेव। कैसे था, कैसे होगा? जो फर्स्ट में जी शार्प सी बिना ऑक्टेव के साथ, उसके बाद सारे ऑक्टेव के साथ एंड ब्लास्ट में सी शार्प बिना ऑक्टेव के साथ। और सेकंड लाइन तू है बड़ा जादूगर, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, जो बीच में एफ शार्प को दो बार लेना है। क्या नोटेशन है? जी शार्प सी डी शार्प एफ शार्प एफ शार्प ई डी शार्प ई डी शार्प एंड सी शार्प, कैसे? ठीक है, इसी दोनों लाइन को दो बार रिपीट करना है। इसके बाद अंतर आएगा। अंतर में क्या है? चुपके से आंखों के रास्ते तू मेरे दिल में समाया, चाहत का जादू जगा के मुझको दीवाना बनाया। ये चारों लाइन भाग करके बजाना है, एक एक लाइन आसान होगा। तो फर्स्ट वाला क्या है? चुपके से आंखों के रास्ते, चुपके से आंखों के रास्ते, कैसे? जी शार्प ऑक्टेव के साथ, एफ शार्प ई ई डी शार्प सी शार्प ओपन बिना ऑक्टेव के साथ, डी शार्प ऑक्टेव के साथ। तो इसी लाइन में सारे ऑक्टेव के साथ, एक सी शार्प है वो बिना ऑक्टेव के साथ। ठीक है, कैसे? स्लो जी शार्प
उसके बाद सेकंड लाइन, तू मेरा दिल में समाया, वो कैसे है, जी शार्प बिना ऑक्टेव, सी बिना ऑक्टेव, उसके बाद डी शार्प ऑक्टेव के साथ, एफ शार्प, ई, डी शार्प, उसके बाद एफ शार्प, ई ऑक्टेव के साथ, कैसे है। इसको दो तरीके से ले सकता है, एक तो जो मैंने बताया और सेकंड वाला जो है, जो लास्ट में हमने ई एफ सार, ई एफ सार, जी सार, एफ सार, ई, इसको स्पीड में लेना है, और नहीं तो आसान तरीके से उसके बाद थर्ड वाला लाइन, चाहत का जादू जगा के, तो जहां पे हमने ई में खत्म किए थे ई से लेना है, ई ई डी शार सी शार बी जी शार बी ए ए, कैसे, ऑक्टेव के साथ, डी शार्प ऑक्टेव, ऑक्टेव के साथ, सी शार्प बिना ऑक्टेव, बी बिना ऑक्टेव, जी शार्प बिना ऑक्टेव, बी बिना ऑक्टेव, उसके उसके बाद दो बार ए बिना ऑक्टेव के साथ। ठीक है, मुझको दीवाना बनाया, ये भी मतलब डाउन नोट है, तो ये सारे क्या है, बिना ऑक्टेव के साथ, एफ शार्प से स्टार्ट होगा, एफ शार्प, जी शार्प, ए, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, जी शार्प, कैसे है? ये सारे बिना ऑक्टेव के साथ। उसके बाद पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद करेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। ये जो चार लाइन है ये भी भाग करते भजन है, सेम है थोड़ा सा, थोड़ा एक दो नोट डिफरेंट है, बाकी सेम है। तो कैसे है, पहला लाइन, पहली नजर में बनी है, वही जहां पे हमने जी सर में रुका था वहीं से स्टार्ट होगा, जी सर अभी क्या है ऑक्टेव के साथ, ये हाई नोट है, तो ऑक्टेव के साथ हो जाएगा, जी सर चार बार, ए, जी सर, सी सर, बी, बी, उसके बाद ए, जी सर, एफ सर, ए, स्पीड में लेना है, पहली नजर में बनी है, ये जो लास्ट में गाने में जो खींचा हुआ है वो ए जी सार एफ सार में कवर करेंगे। तो कैसे है, जी सार चार बार, ए जी सार, सी सार, बी, बी, ए जी सार, एफ सार। तू मेरे सपनों की रानी, उसमें क्या होगा, जहाँ हम एफ शार्प में रुके थे एफ शार्प से स्टार्ट होगा, एफ शार्प तीन बार, डी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, बी, ए, जी शार्प, जी शार्प, कैसे है। इस लाइन को दो तरीके से ले सकते हैं, नहीं नहीं तो कैसे है, एफ शार्प तीन बार, डी शार्प, एफ शार्प, बी, ए, जी शार्प, जी शार्प, कैसे ये दोनों लाइन कंप्लीट होता है। उसके बाद याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी, याद रखेगी ये दुनिया में कैसे है, सेम नोट है, जी शार्प तीन बार बजेंगे इसमें, उसके बाद ए, सी शार्प, बी, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प,
ए जी सार एफ एफ सार स्पीड है, कैसे? सेम नोट है, इसमें लास्ट वाला लाइन में एक नोट ऐड हो रहा है जो कि डी शार्प एफ शार्प डी शार्प बी ए जी शार्प जी शार्प। तो फर्स्ट वाला जी शार्प 3 बार, ए, उसके बाद सी शार्प बी ए जी शार्प एफ शार्प। यहाँ पे गाना खत्म होता है, इसके बाद वही सेम रिपीट होगा, ओ मेरे चैन चुरा के मेरी नींद उड़ा के खो ना जाना किसी मोड़ पर, इस टाइप का है। मतलब लिरिक्स अलग है, बाकी सेम बजे है इसमें, गाना इतना ही है दोस्तों। इसके अलावा गाना सुने, जितना बार सुनेगा उतना बार क्लियरिटी बढ़ेगा। तो दोस्तों गाना इतना ही है, नोटेशन मैं स्क्रीन में दे दूंगा और आप लोगों ने नोटेशन देख के बजाना है, और उससे पहले गाना को 5-7 बार सुनना है। गाना सुनने के बाद ही वो जो धुन है वो मन में बैठेगा और नोटेशन मिलते आप बजा सकते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों गाना प्रैक्टिस कीजिए, मैं अभी डेली एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।